नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वीवो के T2 प्रो 5G मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट कर सकते हैं, यानी कि अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने क्रोम को लॉक कर रखा है, तो यहाँ पर अभी केवल पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि फिंगरप्रिंट नहीं मांग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फिंगरप्रिंट को कैसे इनेबल करेंगे। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल की जो सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा एक सिक्योरिटी का, तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आना होगा। उसके बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। आपको फिंगरप्रिंट पहले ही एडिट करना है, यानी कि ऐड कर लेना है, फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है। उसके बाद आपको पैटर्न डाल देना है। अब यहाँ से अगर आपने फिंगरप्रिंट को नहीं ऐड किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट ऐड करने का, तो यहाँ पर जो है पहले ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल करना होगा। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके ऐप लॉक का जो पासवर्ड है वो मांगेगा, तो आपको पासवर्ड दे देना है। अब आपके ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट भी ऐड हो चुका है। मैंने क्रोम को लॉक किया था, तो क्रोम को ओपन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट मांग रहा है, और जैसे ही दे दिया तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट ले लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट कर सकते हो।